गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग करिकुलम, ठीक है, भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का वर्णन। देखिए, भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन पहले ही कर चुके हैं, तो डेफिनेशन वही लिखनी है। उसके बाद आप राइटर्स के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं डेफिनेशन। फिर आपने क्या बताना है, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग फिजिक्स और करिकुलम, भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सिद्धांत। देखिए, पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना एक कठिन कार्य है, ठीक है। किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसमें कुछ विशेष नियम सिद्धांत, उसका चयन हमें करना, ध्यान रखना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये उस विषय की प्रकृति के अनुसार ही होते हैं। यदि इन नियमों सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाया जा सकता है, जो हमारा करिकुलम होता है, ठीक है। तो उसके अनेक अगर हम देखते हैं तो संभावित दोषों को पहले ही दूर किया जा सकता है, और उसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका जो सिद्धांत है वो आपकी रुचि के अकॉर्डिंग, ठीक है, रुचि का सिद्धांत आपकी रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण है छात्रों की रुचियों के अनुसार होना चाहिए। छात्र कोई भी कार्य करें तो उसमें रुचि लें, विदाउट रुचि किसी भी कार्य को मज़ा नहीं आता, इंटरेस्ट मज़ा नहीं आता विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब उसमें उसकी रुचि के अनुसार कार्य के अवसर प्राप्त होंगे, तो भौतिक विज्ञान एक, अगर हम देखते हैं तो भौतिक विज्ञान क्या है, एक रुचिकर विषय है, परंतु इसे पाठ्यक्रम में नीरस और कठिन रूप से प्रस्तुत किया जाता है जब, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए पाठ्यक्रम में रुचिकर, सरल और छोटे छोटे कार्यों को, एक्टिविटी को स्थान हमें देना चाहिए, ठीक है। अच्छा हो कि शिक्षण बिंदुओं के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी भी साथ में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। जो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विषय क्या होता है, जो विशेषज्ञों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस आयु या कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, और यह छात्रों के भाविक एवं दैनिक जीवन में कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। तो इसके लिए पाठ्यक्रम में भावी जीवन एवं उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी इकाइयों का समुचित स्थान होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, भौतिक विज्ञान में व्यावसायिक गुणों एवं रुचियों को विकसित करने वाले प्रकरण भी शामिल होने चाहिए, ठीक है, करिकुलम में। नेक्स्ट है आपका बौद्धिक चिंतन का सिद्धांत। अध्ययन तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वह चिंतन स्तर छात्रों में योग्यता विकसित कर सके, ठीक है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय विशेषज्ञों को हमेशा यह बात ध्यान रखनी पड़ती है कि किस स्तर के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, एवं क्या पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किस माध्यम को बनाकर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वह छात्रों को विषय वस्तु पर आगे सोचने को भी मजबूर कर रहा होता है कि हमें और क्या इससे अच्छा हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत। जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का निर्माण में उस स्तर एवं विषय को, उद्देश्य की पूर्ति को भी देखना चाहिए। देखिए, भौतिक विज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों को देखना एवं उन्हें किस प्रकार, किन अध्यायों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक मान्यताओं आवश्यकताओं का सिद्धांत। देखिए, विश्व में प्रत्येक समाज की अपनी कुछ मान्यताएं एवं विशेषताएं होती हैं, ठीक है। वे अपनी मान्यताओं को भावी पीढ़ी में ही क्या करते हैं, स्थायी रखना चाहते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माताओं को सामाजिक मान्यताओं एवं आवश्यकताओं को भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत, जिसे हम करिकुलम वो बोलते हैं, को करिकुलेशन। सहसंबंध पाठ्यक्रम निर्माण के समय क्या होना चाहिए, कि जो भौतिक है, भौतिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ भी सहसंबंध होना चाहिए, आपस में दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ रिलेशन होना चाहिए इसका, कि ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी हो। उसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा समग्र रूप से दी जा सके, ठीक है। इसके लिए अध्यापकों एवं विषय वस्तु का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि यह एक तरफ तो दूसरे विषयों को पढ़ाने में और समझाने में सहायक हो, ठीक है, और छात्रों को भौतिक विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्ता का भी ज्ञान हो सके। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सिद्धांत। देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, वैज्ञानिकों का निर्माण करना ही नहीं है, अपितु छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करने की योग्यता
विकसित करना है, ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम में इस बात पर हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों में वास्तविक रूप से किसी धर्म को करने का, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग आ सके। कहने का मतलब कि वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज़ के बारे में सोचे और औचित्य को समझ सके। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी विकसित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। देखिए, लचीलेपन से क्या तात्पर्य होता है कि समाज की आवश्यकताओं, समय की मांग एवं बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन आसानी से किया जा सके। क्योंकि विज्ञान में, विशेषकर भौतिक विज्ञान है जो, उसमें प्रतिदिन अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। यदि हम पुराने ज्ञान को ही पढ़ते रहेंगे तो भौतिक विज्ञान के हमारे लक्ष्य केवल पुस्तकों तक ही सीमित रह जाएंगे और हमारे भावी नागरिक विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है। पहले हम एक सिंपल मोबाइल लेते थे, अब हमारे पास टच वाले मोबाइल है। इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे फ़ौरन में दूसरे व्यक्ति से फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं, ठीक है, अपना मैसेज वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नई नई टेक्निक्स हैं। तो हमें इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे जैसे दूसरे देश आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या है, हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए जिससे बिना किसी कठिनाई के इसमें कोई प्रकरण जोड़ा या हटाया जा सके, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई टॉपिक्स होते हैं तो ऐड करने पड़ते हैं। पहले क्या होता था हमारे यहाँ, जैसे कंप्यूटर, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कंप्यूटर विषय को, कंप्यूटर को हमारे करिकुलम में नहीं डाला गया था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, हर स्कूल में मोस्टली बच्चों के करिकुलम में कंप्यूटर है। तो नए विषय क्या है, हमारा जो करिकुलम है फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि नए विषय को हम आसानी से डाल सकें और पुराने विषयों को हटा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। देखिए, पाठ्यक्रम में अवकाश के समय में छात्रों को करने के लिए रोचक कार्यों का भी स्थान देना चाहिए। इससे छात्र अपनी जो कीमती समय है व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगा पाएंगे और विज्ञान संबंधी उनका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या कहते हैं कि एक लास्ट पॉइंट है हमारा अग्रदर्शिता का सिद्धांत। अग्रदर्शिता क्या होती है, जो विषय पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरणों को स्थान दिया जाए जो बहुत ही क्या हो, खोजकर हो, जिसमें नए नए आविष्कार हो, ठीक है। चाहे उनका संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हो, फिर भी छात्रों को भविष्य पर ध्यान देते हुए उन बुंदियों को अवश्य उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा जो सिद्धांत थे हमारे भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारी योग्यताएं भी होती हैं कि भौतिक विज्ञान का जो महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए निर्धारित इसके आदर्श विशिक्षण शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले है अगर हम ये कहें कि भौतिक विज्ञान शिक्षण की योग्यताएं, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसका भौतिक विज्ञान के शिक्षक में होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो शिक्षक के समक्ष चाहे उसे कितना भी ज्ञान हो, उसके सामने कक्षा कक्ष, सेमिनार्स, प्रयोगशालाएं, कभी कभी किसी बिंदु पर समस्या उत्पन्न हो भी जाती है, तो क्या है, ऐसी स्थिति में वे स्वयं को संतुलित रखते हुए आत्मविश्वास पर होने विचार करना चाहिए, तभी उसका संतोषजनक जो भी प्रॉब्लम है वो हल हो सकती है। नेक्स्ट है आपका हेल्थी पर्सनैलिटी, स्वस्थ व्यक्तित्व। देखिए, हमें सभी को पता है कि अच्छे व्यक्तित्व में ही अच्छे क्या है, इंसान बसता है, ठीक है। व्यक्तित्व सही होगा तो हमें आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्तित्व से कार्य केवल शारीरिक या मानसिक योग्यता से नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ठीक है, नैतिक, सभी प्रकार की योग्यताएं सम्मिलित तो होती है। इसलिए छात्र कक्षा कक्ष में, प्रयोगशाला एवं सभी जगह जहां भी वे शिक्षक के संपर्क में आते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अध्यापक का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अभिव्यक्ति की क्षमता। देखिए, कोई भी शिक्षक होता है, चाहे किसी भी विषय का हो, अभिव्यक्ति की योग्यता उसके अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए।
जो हमारे अनेक शिक्षक होते हैं, अच्छे विज्ञान होते हैं, विद्वान होते हैं, योग्य विषय पर अधिकार रखने वाले होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उनमें अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, तो वे अपनी बात को स्पष्टीकरण को ठीक प्रकार से क्रमबद्ध रूप में नहीं रख पाते, तो इससे छात्रों को क्या होता है समस्या का समाधान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और वे शब्द जाल में ही उलझकर भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे शिक्षक की भाषा छात्र के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और विचार उनके स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व की क्षमता। एक अच्छे टीचर में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। स्वाध्याय का गुण होना चाहिए, स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, पूर्ण व्यवहार, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। क्या कई बार क्या होता है कि जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं हमें अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग चेंज भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी स्टडी को हम एक ही शिक्षण मेथड से पढ़ाएंगे, नहीं, अलग अलग शिक्षण मेथड से हम पढ़ाएंगे। जो सब्जेक्ट जिस मेथड से पढ़ाया जाना चाहिए उसी से ही पढ़ाना चाहिए और जो नए नए मेथड हैं उसी के वो हमें अपनाने चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है हमें प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधियाँ आदि अध्यापकों को इसका भी ज्ञान होना चाहिए ताकि उनका दैनिक अध्यापन में उपयोग भी किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन की क्षमता। देखिए एवोल्यूशन करने की भी होना चाहिए, जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, एवोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है, ठीक है। तो मूल्यांकन जो है वह प्रमाण है जिसके आधार पर अध्यापक अपने प्रयासों की सफलता एवं असफलता का बोध करता है, ठीक है। इतना ही नहीं, इसके द्वारा अपनी शैक्षिक प्रक्रिया, शिक्षण विधियां एवं पाठ्य वस्तु के स्तर में सुधार लाने का भी प्रयत्न भी करता है। NCERT के द्वारा अगर हम देखते हैं तो प्रतिपादित परिभाषा के अनुसार उन्होंने क्या बताया है एवोल्यूशन के बारे में, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है और कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव, लर्निंग जो एक्सपीरियंस है, किस सीमा तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, ठीक है। अतः यदि अध्यापक में मूल्यांकन विधियों का उचित ज्ञान नहीं होगा तो उनका मूल्यांकन विश्वसनीय एवं वैध नहीं होगा, इसलिए हमें सही इसका मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक क्षमता। देखिए भौतिक विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष प्रयोग करने की क्षमता और दक्षता होती है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से अध्यापक पूर्ण निर्धारित तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सत्यापित कर सकता है, तो इसके लिए उसमें धैर्य, प्रयोगात्मक कौशल, सूक्ष्म निरीक्षण आदि के गुण योग्यता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। देखिए वर्तमान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सभी विषयों के पाठ्यक्रम का एक आवश्यक अंग माना जाने लगा है, ठीक है। तो इन क्रियाओं को इसलिए महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि छात्र इन क्रियाओं से प्रेरणा लेता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, तो उसमें भौतिक विज्ञान को समझने व सीखने की जो अधिक क्षमता होती है क्या होता है उसका उत्पन्न होती है। तो इसके अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक को अपनी जो अचेत क्रियाओं के प्रदर्शन का भी अवसर उसको प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहले अध्यापक को इतना ज्ञान होना चाहिए क्योंकि जब वो अध्यापक ही उसके सामने आयोजन में रुचि लेगा तभी छात्र सीखेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान। भौतिक विज्ञान के अध्यापकों को अगर हम देखते हैं छात्रों के मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं आदि का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। व्यवहार का जो मूल उद्गम है उसकी मूल प्रवृत्तियों से कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, ठीक है। इनका संवेगों से घनिष्ठ संबंध होता है, तो बाल जो मनोविज्ञान है के ज्ञान से अध्यापक छात्रों के व्यवहार को सुधारने के लिए उनकी मूल प्रवृत्तियों को क्या करता है परिमार्जित कर सकेगा। तो सीखने की क्रिया में बालक के जो व्यक्तित्व है उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक जो का कहना है कि हमें अध्यापक के जो दोषों का कारण जानकर उसका कार्य उचित प्रकार से करने को हमें प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को पता चल गया आप सभी को कि हमारे जो पाठ्यक्रम है भौतिक पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसके बारे में भौतिक विज्ञान की जो शिक्षण की योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। मैं सभी बच्चों से मतलब चाहती हूँ कि वो सभी को बच्चों को क्लियर हो जाए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे कल हमारा टेक्स्ट बुक्स पर। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। तो धीरे धीरे हमारा सिलेबस ख़त्म होता जा रहा है, तो आप सभी बच्चे अच्छे से करिए, चाहे बुक में से करिए चाहे वीडियो में से करिए। ठीक है, थैंक यू, ओके।